हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वे इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो क्लास टेंथ है उसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो 3.3 है ना, क्लास टेंथ के लिए बात कर रहे हैं एनसीईआरटी, है ना। 3.3 एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके कुछ बाकी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं ना, थर्ड क्वेश्चन तक। अपने पास 3 क्वेश्चन और है उसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अ टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्जेस टुगेदर विथ ए चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड टू ₹105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। What are the fixed charge and the charge per kilometer? Or how much a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? सबसे पहले बात क्या है, अगर टैक्सी फेयर है तो एक फिक्स किराया है उसका, और उसके बाद जितने किलोमीटर आप चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना होगा, उसको फिक्स किराया जो फिक्स चार्ज है और उसका जो फेयर है उसको मानना पड़ेगा कुछ। तो क्या करते हैं, लेट The fixed charge and the charge per kilometer. The fixed charge and charge per kilometer be rupees X and rupees Y respectively. हमने माना कि per kilometer का charge X है और उसका फिक्स चार्ज एक्स है एंड पर किलोमीटर का चार्ज है उसको वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन बोलता है कि पहले वो फिक्स 10 किलोमीटर के लिए ₹105 देता है, यानी एक तो फिक्स चार्ज देगा प्लस एक किलोमीटर का चार्ज दे रहा है वाई, तो 10 किलोमीटर चला तो कितना वाई देगा, 10 वाई, और ये दे रहा है 105। दूसरे वाले में बोल रहा है कि वो फिक्स चार्ज और प्लस 15 किलोमीटर चल रहा है तो वो दे रहा है ₹155, ठीक है। पहले हमने इस दोनों से 2 इक्वेशन बना दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से अपने को एक्स का वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर इस इक्वेशन से बात करें तो एक्स इक्वल टू हो गया 105 - 10y, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन 3 को रख देते हैं, पहले वाले से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, ठीक है, 2 में रखते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे, 105 - 10y इस इक्वेशन में x की जगह, प्लस 15y इक्वल टू 115, और यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये घट के आएगा 5y और 155, और माइनस में आ जाएगा 105, ये प्लस में है तो इधर माइनस में, 5y इक्वल टू कितना हुआ 50, तो y इक्वल टू कितना आ रहा है, y का वैल्यू अपने को मिल गया 10, है ना, 50/5 यानी 10, यानी पर किलोमीटर जो उसको चार्ज देना पड़ेगा वो ₹10 का देना पड़ेगा। अब फिक्स चार्ज की बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन थ्री से अगर देखा जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 - 10 × 10, है ना, यानी x इक्वल टू 105 - 100, यानी x इक्वल टू ₹5, यानी उसको फिक्स चार्ज ₹5 तो देना ही पड़ेगा और जितने किलोमीटर चलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका कॉस्ट चेंज होते जाएगा, ठीक है। अब हमको 15 किलोमीटर का चार्ज, 25 किलोमीटर का चार्ज बताना है ना, तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब देखिए 25 किलोमीटर के लिए पर्सन क्या करेगा, फिक्स चार्ज तो देगा ही, प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25 देगा, फिक्स चार्ज 5 है प्लस 25 × 10, यानी 5 + 250, यानी अपने को उसको देना पड़ेगा टैक्सी वाले को ₹255 देना पड़ेगा अगर 25 किलोमीटर चलेगा तब, ठीक है। ये तो था थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है,
क्या बोलता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। तो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत बनाए हम लोग। लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर एक्स बाई वाई। अब अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन केस वन में बोलता है कि अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो को ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन बन रहा है 9/11। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x+22 = 9y+18। यहां से 11x-9y = 18-22, तो 11x-9y = -4। ये आया इक्वेशन नंबर वन। इसी का सेकेंड पार्ट में केस टू में क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन जा रहा है 5/6, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x+18 = 5y+15। यहां से 6x-5y = 15-18, यानी 6x-5y = -3। इक्वेशन नंबर टू हो गया अपने पास, ये वन आ गया और टू आ गया। अब क्या करें, अगर इक्वेशन वन से बात करें तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन वन का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। यहाँ से बात करें, अगर x निकालना चाहे तो 9y इधर जाएगा तो +9y-4, यानी x का वैल्यू हुआ 9y-4/11। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इस थर्ड वाले इक्वेशन को हमको रख देना है किस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट में, तो फ्रॉम सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट से निकाले, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट से रखना है एंड थर्ड, यानी थर्ड वाले को सेकेंड में रख देना है। सेकेंड में रख दीजिए थर्ड वाले को, तो 6x-9y-4/11 = -5y = -3, यानी 54y-24/11 - 5y = -3, है ना। तो सॉल्व कीजिए, 54y-24 और -55y/11 = -3, यानी घट के आने वाला है, देखिए 54 यानी माइनस वाई, और ये हो जाएगा -33, और इधर से इसका है -24, तो y को इधर शिफ्ट करते हैं, प्लस y, और इस 33 को इधर माइनस से शिफ्ट कर दीजिए, तो y का वैल्यू आ गया 9, ठीक है, y का वैल्यू आ गया 9। अब y 9 है तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या हो गया अपने को वैल्यू, x = 9×9-4/11, यानी 81-4/11, यानी 77/11, x का वैल्यू आ गया 7। तो फ्रैक्शन क्या हो गया अपने पास, फ्रैक्शन जो हो गया वो आ गया x by y यानी 7 by 9। इसको भी हमने लोग सॉल्व कर लिया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर, वो प्रेजेंट एज और वे है, क्वेश्चन पढ़िए आपको समझ में आएगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन बी x एंड y respectively, है ना। हमने प्रेजेंट एज फादर और सन को क्या मान लिया, x और y मान लिया respectively। क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son, what are their प्रेजेंट एज। तो ये तो x और y मान लिया है अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन। अब बोला है 5 साल बाद जैकब का जो एज है उसके सन के एज का 3 times हो जा रहा है,
तो 5 साल बाद इस क्या करेंगे, दोनों के परसेंटेज में 5 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया 20, ठीक है, हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, अगर बोला है कि 5 साल पहले यानी x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, ये केस 2 बन रहा है ना, और ये केस 1 बन रहा है। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, यानी x माइनस 7y इक्वल टू 30 माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं और अपने को रख सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, क्या करें देखा जाए तो x माइनस 7y बाई 30। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो अगर यहाँ से x दिखे तो 20 प्लस 3y, ये इक्वेशन 3 है, फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 से वैल्यू सॉल्व करके हम सॉल्व कर सकते हैं 20 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, तो माइनस 4y इक्वल टू हो गया माइनस 30 और माइनस 20, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, माइनस 30 प्लस 20, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 20 प्लस 3y, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, x माइनस 7y इक्वल टू ये 30 बना, और 3y प्लस 10, x इक्वल टू 3y प्लस 10, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, तो ये भी 10 हुआ, तो अगर रखे वैल्यू तो ये 10, 10 प्लस 3y, यानी ये इधर से 10 आएगा माइनस में, तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, तो y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 10, y 10 आ गया, y 10 आया तो x कितना आया, 10 प्लस 3 इंटू 10, तो x आ गया 40, यानी उसके फादर का एज हो गया 40 ईयर्स और सन का एज हो गया 10 ईयर्स। इस तरह से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिए। थैंक यू।